हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं निकल गया हूँ गंगोली हाट के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वहाँ पे आज काम है, तो इस वजह से मैं गंगोली हाट जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ सुमंदा की दुकान के पास, और यहाँ से मुझे लगते हैं 5 मिनट। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं नैनी, और ये है दोस्तों नैनी गांव। तो दोस्तों, बस मैं पहुंच गया हूं रोड में, और यहां से मुझे 2 या 3 मिनट लगते हैं गाड़ी तक पहुंचने में। और ये है दोस्तों पल्ला नैनी गांव। दोस्तों, मैं तो पहुंच गया हूँ यहाँ पे, लेकिन विनोदा जो की ड्राइवर है वो पहुंचे नहीं है, तो 5 या 10 मिनट टाइम लगाएंगे अभी। तो दोस्तों, अभी मुझे करना है विनोदा का वेट, पता नहीं कब आते हैं। और दोस्तों, विनोदा आ गए हैं गाड़ी के ड्राइवर। दोस्तों, फाइनली आप विनोदा आ गए थे, और अब हम लोग रेडी चलने के लिए, और यहाँ से हमको 2 से 2.5 घंटा लगना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस तरह की यहाँ पे रोड है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हैं तल्ला पानी, और तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं ग्वासीकोट, और ये ग्वासीकोट गांव है। इस जगह का नाम है दोस्तों पिलखी, और ये बहुत ही ऊंचाई में बसा हुआ गांव है दोस्तों, और यहां से पूरा हिमालय दिखता है, तो बहुत ही प्यारा गांव है। और दोस्तों, गेहूं के हरे भरे खेतों के बीच से सफर करने का एक अलग ही एहसास है। और दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं ननोली गांव में। ये भी बहुत प्यारा गांव है दोस्तों, ये भी ऊंचाई में बसा हुआ गांव है।
तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं नाकोट गांव में, और ये भी बहुत प्यारा गांव है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा है, वर्कर लगे हुए हैं। और दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं खिरमांडे, और ये यहाँ की लोकल मार्केट है। और दोस्तों पहले जब यहाँ पे सड़क नहीं बनी थी उस समय भी यहाँ पे अच्छी खासी मार्केट थी, और मेन मार्केट से यहाँ तक खच्चरों में सामान ढुलाई की जाती थी, और ये रास्ता जाता है उसी पुरानी मेन मार्केट को। बांज के घने जंगलों से होते हुए दोस्तों हम लोग दसाई थल की तरफ बढ़ रहे हैं। देवदार का ये घना जंगल यहाँ की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। देवदार की ये पेड़ दोस्तों दसाई थल और गंगोली हाट के बीच में फैले हुए हैं, तो अब हम पहुँचने वाले हैं दसाई थल। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं दसाई थल, और यहाँ से गंगोली हाट लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में है। ये है दोस्तों गंगोली हाट का टैक्सी स्टैंड, और अब हम पहुंच गए हैं गंगोली हाट। क्या हूँ गंगोली हाट, और यहाँ पे दोस्तों इतनी ज़्यादा ठंड है कि मुझे अपनी जैकेट निकालनी पड़ी। तो दोस्तों ये है गंगोली हाट का मेन मार्केट। अक्सर यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है क्योंकि दूर दराज गांवों से लोग यहां पर आते हैं ख़रीदारी के लिए, और बैंक, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध रहती हैं।